ये सजा जो है अंग्रेज ने लालबन सिंध को उस तहरीक के आजादी के अहम पार्टिसिपेशन की वजह से दी, वरना अंग्रेज ऐसा बेवकूफ नहीं था। इस पर फिर सिंध ने रिएक्ट किया, बॉम्बे के साथ जब सिंध को मिलाया गया तो सिंध ने इस पर रिएक्ट किया और एक तवील जिद्दोजहद जो 1935 तक चली और ये 78 साल की जिद्दोजहद 78 ईयर्स सिंध के मुसलमानों ने अंग्रेज और हिंदुओं के खिलाफ जिद्दोजहद की और उस जिद्दोजहद के नतीजे में बिलाकर, और ये आईनी जिद्दोजहद भी थी, जमहूरी जिद्दोजहद भी थी, पुरमन जिद्दोजहद थी, इसमें कहीं तशद्दुद नहीं मिलता, इसमें कहीं जो है खून खराबी वाली बात नहीं मिलती, लेकिन सिंध के मुसलमानों ने मुनज़्ज़िम होकर के इस जिद्दोजहद को किया और 78 ईयर्स तक जो है बड़े मुनज़्ज़िम अंदाज में जिद्दोजहद चला करके 1935 में अंग्रेज और हिंदुओं को मजबूर किया कि वो सिंध को बंबई से आजाद करें। और यूं अगर मैं यहां पर यह इशारा आपको दूं कि मैं उस तवील जिद्दोजहद का इनकार नहीं करता जो तहरीक पाकिस्तान के लिए 1947 के पाकिस्तान के कयाम के लिए हिंदुस्तान के दूसरे इलाकों से शुरू हुई, लेकिन मैं समझता हूं कि सिंध को यह एक एजाज हासिल है कि उन्होंने पाकिस्तान बनाने से पहले सिंध को बंबई से आजादी दिला करके दरअसल पाकिस्तान की बुनियाद डाल दी थी। और गालबन शायद यही वजह है कि 78 साल तक सिंध के सियासतदान और सिंध के मुसलमान जो अंग्रेज और हिंदू से बाकायदा लड़ रहे थे, जिद्दोजहद कर रहे थे, तो उनको इतना तजुर्बा हो गया था कि जब मुस्लिम लीग ने इस काम का आगाज किया तो सूबे सिंध असेंबली जो उस वक्त एक बाकायदा सूबे की असेंबली थी, इलेक्टेड असेंबली थी, करारदाद पाकिस्तान पाकिस्तान के कयाम का रिजोल्यूशन सबसे पहले सिंध असेंबली ने पास किया। इसलिए कि वो जानते थे, उनको एक तजुर्बा था और वो समझते थे कि अगर एक जिद्दोजहद के जरिए हमने सिंध को बॉम्बे से अलग किया है तो पाकिस्तान हासिल करने की जिद्दोजहद हमारे लिए कोई नई नहीं है, दुश्मन वही है अंग्रेज और हिंदू, और इंशाल्लाह उसी तरीके पर चल करके पाकिस्तान भी हासिल किया। और इसके लिए तो फिर पूरे हिंदुस्तान के मुसलमान उठ खड़े हुए हैं, हम भी उनके साथ मिल जाएंगे। यूं तहरीक पाकिस्तान में जो सिंध का हिस्सा है उसकी तरफ मैंने इशारा जो है वो दिया है, तो बहुत बड़ी एक जिद्दोजहद है जो यहां पर इस अंग्रेज के दौरान जो है वो चलती जो है वो नहीं हो। हम जब 1947 पर अब आते हैं तो 1947 में जब पाकिस्तान का कयाम होता है और आज जब 2008 में मैं और आप बैठे हैं, तो मैंने इत्तेफाक से पाकिस्तान के इस पीरियड का 47 से 2008 का इसको भी 6 दौरों में तकसीम किया, वो भी 6 दौर थे और ये भी 6 दौर है। पहला इसका दौर शुरू होता है पाकिस्तान के कयाम 47 से लेकर के 58 तक जब अयूब खान का मार्शल आ लगा। मैं पहले दौर गिनवा जाता हूं और फिर हर दौर की कुछ कुछ बातें माशरती सिंध की और पाकिस्तान की आपके सामने रखता हूं ताकि नक्शा थोड़ा वाजे हो, हालात और माशरत समझने में हमें आसानी हो और उस यानी के हालात के तहत हम जमात के काम को इस सिंध के अंदर और पाकिस्तान के अंदर जो एक चीज जो मुझसे रह गई थी, क्योंकि अब पाकिस्तान का जिक्र आया है तो वो दोबारा जो तस्कीर के तौर पर कह दूं, तो ये जो मैंने इब्तिदा से जिक्र किया था कि जो दरियाए सिंध के दोनों किनारों पर आरी आरिया लोग जो आए ऊपर से और आबाद हुए, उन्होंने इसको सिंध कहा, तो ये सिंध उस वक्त का एरियंस का सिंध, चच का राजा दाब से पहले का जो सिंध है वो कश्मीर से शुरू हुआ और कराची तक इसके दोनों तरफ जितना इलाका है आज पाकिस्तान में, आज का पाकिस्तान गो के उस वक्त का पूरा सिंध। यूं ये जो कराची में सारी मुआशरतें कश्मीर से लेकर के जो भी पाकिस्तान है इस वक्त, वो सारी आपको कराची में जो जमा नजर आती हैं, और जब मैं करंट हालात पर आऊंगा तो ये माजी का एक नुक्ता आपके सामने रहना चाहिए कि ये माजी की अक्कासी है कि ये पूरा इलाका जो उस वक्त सिंध था आज ये पाकिस्तान है, ये पहले भी एक इकाई था उस वक्त और अब भी ये पाकिस्तान जो है वो एक इकाई है। ये मुआशरते जिसमें अफगानिस्तान के नजदीक के पठान भी शामिल थे, बलोच भी शामिल थे, कश्मीरी भी शामिल थे, सिंध के सहरा के इलाके भी शामिल थे, वस्त में पंजाब के लोग भी शामिल थे, आज पाकिस्तान में जो कौमियतें शामिल हैं ये कौमियतें आज से बहुत पहले भी एक कौम बनकर के रहे हैं और एक मुल्क की हैसियत से भी जो रहे। ये मेरा इशारा देने का जो है वो है कि इस तरफ हमें जरूर ख्याल करते हैं कि
पाकिस्तान बनने के बाद पहला दौर अयूब के मार्शला तक, फिर अयूब की मार्शला 58 में लगी, उससे दूसरा दौर 71 तक यहया खान के मार्शला तक 13 साल का ये दौर जो है वो बनता है, और वो जो है 47 से 58 11 साल तक बनता है, यूं 24 साल का ये दौर बनता है। और इसमें यहया खान के मार्शला में 24 साल में पाकिस्तान दो टुकड़े हो जाता है और वो पाकिस्तान का हिस्सा चला जाता है। और चूंकि अब वो पाकिस्तान का हिस्सा हमारे साथ नहीं है, इसलिए मुझे कोई उस पर बोलने की ज्यादा जरूरत नहीं है। मैं इसी पाकिस्तान को जो 71 के बाद पाकिस्तान की सूरत में हमारे सामने उसकी मुआशरत और सिंध की मुआशरत का जो आपस में ताल्लुक है उसी पर मैं बात जो है वो करता जाऊंगा। यूं 71 में पाकिस्तान जब अलग हुआ तो 71 से तीसरा दौर शुरू हुआ जो 1977 तक चला, और ये पीपुल्स पार्टी की हुकूमत का जो है वो दौर था। और फिर 77 में जियाउलहक की मार्शला से चौथा दौर शुरू हुआ जो कि 88 तक चला, जबकि जियाउलहक का हादसा जो है वो हुआ। और फिर 88 से लेकर के 99 तक 11 साल का वो दौर है कि जिसमें दो मरतबा पीपुल्स पार्टी ने हुकूमत की, दो मरतबा नवाज शरीफ की नून लीग ने हुकूमत की, और फिर छठा और आखिरी दौर 99 से लेकर के अब तक जो चला। और चूंकि मुशर्रफ साहब अभी तक मौजूद हैं इसलिए मैं अभी तक उसको मुशर्रफी दौर ही कहूंगा, तो ये 99 से लेकर के और अब तक जो दौर जो 47 का जब दौर शुरू हुआ, एक अहम सिंध और पाकिस्तान की तारीख में एक अहम माइल स्टोन है, एक अहम चीज है। पिछले सारे दौर में नजर आता है कि सिंध की हुकूमतें और सिंध की आबादी बैनुल अक्वामी इंकलाबात को समझती थी, पढ़ती थी, उनके गवर्नरों के जरिए उनके साथ रहती थी, लेकिन सिंध के अवाम भी और सिंध की हुकूमतें भी इन बैनुल अक्वामी कश्मकशों का हिस्सा नहीं बनते थे, हिस्सा नहीं बने। ताताइयों ने क्या किया बगदाद में, इधर जो है वो सोमनाथ तक जितनी जंगें चलती रही, एक्टिव रोल सिंध का अवामी सतह पर भी उसमें नहीं, मदद जरूर करते थे क्योंकि वो एफिलेटेड थे अपनी अपनी ताकतों के साथ। लेकिन 47 के बाद एक अहम वाकया हुआ जिसने सिंध के मिजाज को तब्दील किया, और मैं समझता हूं कि इस पर हमें गौर करना है कि इस अहम वाकये और तब्दीली को हमारे दुश्मनों ने किस तरह लिया और हमने किस तरह लिया। यहां पर यूपी, सीपी और हिंदुस्तान के उस इलाकों से एक बड़ी आबादी हिजरत करके पाकिस्तान बनने के बाद आई, और उसकी अक्सरियत जो है सिंध में और कराची में गई। एक अहम नुकता यह, दूसरा अहम नुकता यह कि दारुल हुकूमत पाकिस्तान का पहला कराची करार था। जब कराची दारुल हुकूमत है तो जाहिर है बैनुल अक़वामी सियासत में वो एक मरकजी हैसियत जो है वो अख्तियार जरूर कर दिया। ये जो कुवत महाजरीन के सूरत में आई थी और पूरी तरीके पाकिस्तान के पस मंजर को अमेरिका और बरतानिया और रूस, ये तीन बड़ी ताकतें थी 47 में, दो ताकतें सरमायादाराना निजाम की हिमायत बरतानिया और अमेरिका, बजाहिर अलग अलग लेकिन दरपरदा दोनों दोस्त, मुस्तकबिल की सारी हिकमत अमली जो आज इराक में दोनों की साथ है, यह 47 से लेकर के अंदरूनी तौर पर यह मुश्तरक हिकमत अमली थी। बगैर अंग्रेज और अमरीका अलग नजर आते हैं दुनिया के नक्शे पर, लेकिन हिकमत अमली एक ही थी दुनिया के बारे में। और दूसरी तरफ उन्होंने खड़ा किया था रूस को इस सोशलिज्म के नजरिया देकर के, ये दो बड़े नजरिए सरमायादारी निजाम के, मजहबी तर्ज जिंदगी के और जो है वो सोशलिज्म के, ये बैनुल अक़वामी इंकलाबात और कराची दारुल हुकूमत पाकिस्तान का, और यहां एक बहुत बड़ी आबादी जो है हिजरत करके आई जिसने तहरीक पाकिस्तान की वो चलाई। तहरीक पाकिस्तान की रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखने वाली और खून का दरिया उबूर करके आने वाली ये कुवत जिसने हाथ मिलाया 78 साल तक अंग्रेज और हिंदुओं के खिलाफ सिंध की आजादी के लिए जिद्दोजहद करने वाले, दिमाग रखने वाले सिंध के मुसलमानों से, इन दो कुवतों ने जब हाथ मिलाया तो सोशलिज्म वालों ने भी समझ लिया और अमेरिका और बरतानिया ने भी समझ लिया कि यह बहुत बड़ी खतरे की घंटी है। पाकिस्तान बिलाशुबा इस्लाम की तरफ बढ़ रहा है और इस्लाम की इंकलाबी कुवत को लेकर के इस दुनिया के नक्शे पर आगे जा रहा है। इसका इदराक जितना अमेरिका को हुआ, जितना रशिया और चीन को हुआ,
जितना बर्तानिया को हुआ, जितना इसराइल को इसका इदराक हुआ और उन्होंने अपनी प्लानिंग शुरू की। मैं समझता हूं, मेरी राय यह है, आपकी राय और भी हो सकती है, कि शायद हम हालात की वजह से हक अदा नहीं कर सके अपनी उस कुव्वत को पहचानने।